पिछले मॉड्यूल में हमने व्यक्तिगत न्यूरॉन्स के विद्युत गुणों को समझने की दिशा में पहला कदम उठाया। हमने सीखा कि कैसे विद्युत बल और प्रसार झिल्ली क्षमता को जन्म देते हैं, और हमने सीखा कि कैसे कोशिकाएं झिल्ली के साथ एक्शन पोटेंशियल या स्पाइक्स नामक संकेतों को उत्पन्न और प्रसारित कर सकती है। न्यूरोनल झिल्ली के गुणों को समझना आवश्यक है, लेकिन इन गुणों को समझना हमारे दिमाग में अरबों जुड़ों न्यूरॉन्स के सामूहिक व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सौभाग्य से हमारे लिए हम कई अलग अलग पैमानों और विश्लेषण के स्तरों पर तंत्रिका विज्ञान से संपर्क कर सकते हैं, और हमें एक ही बार में हर चीज़ की पूरी जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता है। इस पूरे पाठ्यक्रम में हम यही खोज करेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे आयन चैनल जैसे एकल अणुओं की अपनी समझ में आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन्स के विद्युत व्यवहार के लिए छोटे संकृत में उन्हें सामूहिक व्यवहार के लिए, और अंत में मस्तिष्क से बड़े कार्यक्रम क्षेत्रों में वे कैसे व्यवस्थित हो जाते हैं। चलो सरल शुरू करते हैं। चूंकि हमने एक न्यूरॉन की जांच की है, इसलिए अगला तांत्रिक प्रश्न यह है कि दो न्यूरॉन एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, और हम पहले न्यूरॉन्स में ये कुछ बुनियादी सेलुलर शारीरिक रचना की विज्ञान की जांच करेंगे। अब तक हमने इस तथ्य को बहुत अधिक नहीं बनाया है कि अधिकांश न्यूरॉन्स ध्रुवीकृत कोशिकाएँ हैं, अर्थात उनके पास इनपुट प्राप्त करने के लिए सेल का एक भाग और आउटपुट भेजने के लिए दूसरा भाग होता है। कोशिकाओं के वे भाग जो अन्य कोशिकाओं से इनपुट प्राप्त करके के लिए विशिष्ट होते हैं, डेंड्रॉन्स कहलाते हैं। शब्द डेंड्राइट ग्रीक शब्द डेंड्रॉन से आया है, जिसका अर्थ है पेड़। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेंड्राइट्स में एक शाखा है, पेड़ जैसी संरचना होती है। एक डेंड्राइट द्वारा प्राप्त एक संकेत कोशिका शरीर को पोरित किया जाता है। यदि एक क्रिया क्षमता को आरंभ करने के लिए कोशिका शरीर झिल्ली का पर्याप्त विध्रुवण होता है, तो यह क्रिया क्षमता अक्ष तंतु के नीचे भेजी जाती है। अक्ष तंतु तब दूसरे न्यूरोन में प्रसार क्रिया क्षमता को वहन करता है। तो वास्तव में दो न्यूरॉन्स के बीच की सीमा पर क्या होता है, एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु और दूसरे के डेंड्राइट के बीच, इस इंटरफेरेंस को साइनेप्स कहा जाता है। दो सामान्य प्रकार के साइनेप्स हैं, विद्युत साइनेप्स और रासायनिक साइनेप्स। हमारे अपने तांत्रिक तंत्र में विद्युत साइनेप्स कम काम है, लेकिन उनके बारे में सोचना आसान है, तो चलिए उनके साथ शुरू करते हैं। विद्युत साइनेप्स मूल रूप से दो कोशिकाओं के बीच छिद्र होते हैं जो आयनों को गुजरने देते हैं। वे बिना किसी उपद्रव के एक पड़ोसी सेल के माध्यम से विद्युत संकेत के पारित होने की अनुमति देते हैं। यह सिर्फ दो कोशिकाओं को एक बड़े सेल के मिलाने से अलग नहीं है। ऐसे कई कारण हैं कि प्रकृति को समय समय पर इस तरह के साइनेप्स की आवश्यकता हो सकती है। वह तेज हैं और वे कोशिकाओं को उच्च स्तर की समकालीनता के साथ जोड़े रखने की अनुमति देते हैं, लेकिन अधिकांश न्यूरॉन्स एक बहुत ही अधिक जटिल संरचना से जुड़े होते हैं, जिसे रासायनिक साइनेप्स कहा जाता है। एक रासायनिक अंतर्ग्रथन है केवल एक सेल से दूसरे में एक विद्युत संकेत के साथ गुजरने की बजाय क्रिया क्षमता अक्ष तंतु के अंत तक यात्रा करती है, और ये एक रसायन दो न्यूरॉन्स के बीच एक बहुत छोटी जगह में छोड़ने के कारण बनती है, जिसे साइनेप्टिक फांग कहा जाता है। यह रसायन फांग के दूसरी ओर डाउनस्ट्रीम न्यूरॉन्स द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह रासायनिक संकेत डाउनस्ट्रीम न्यूरॉन को अपनी झिल्ली को विध्रुवित करने के कारण बन सकता है। रासायनिक संकेत को वापस विद्युत में परिवर्तित कर सकता है, या सेल पर इसका अन्य प्रभाव भी हो सकता है। यह रासायनिक कदम एक विद्युत साइनेप्स में संचरण की तुलना में धीमा है, लेकिन यह विभिन्न और अधिक जटिल प्रकार के सिग्नलिंग के एक बहुत ही विविध प्रदर्शनों की सूची खोलता है, और सिनेप्टिक फंक्शन न्यूरॉन द्वारा किए गए कॉम्प्यूटेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इस इकाई के शेष भाग को रासायनिक साइनेप्स के आंतरिक कामकाज की खोज में खर्च करेंगे, यह देखने के लिए कि कैसे परस्पर जुड़े न्यूरॉन्स के नेटवर्क व्यवहार को जन्म देते हैं। हम न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग विकारों में दोषपूर्ण सिनेप्टिक फिजियोलॉजी की भूमिका को भी देखेंगे, और हम देखेंगे कि विभिन्न साइकोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स और जहरों द्वारा साइनेप्स को कैसे लक्षित किया जा सकता है। अंत में हम अब भारी उत्तेजनाओं के जवाब में समय के साथ साइनेप्स कैसे बदल सकते हैं, ये देखते हुए समाप्त करेंगे कि हम कैसे सीखते हैं और याद करते हैं। धन्यवाद।